नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन असिस्टेंट में मैं राजेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के टॉपिक में हम देखेंगे कि अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि गाड़ी के लिए इशू होता है, आरसी का स्टेटस कैसे पता करें। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें parivahan.gov.in वेबसाइट पे आना है। दोस्तों, इसके होम पेज पे आने पे आपको स्क्रॉल करने पे सबसे नीचे राइट हैंड में सेकंड ऑप्शन आरसी स्टेटस दिखाई देगा। दोस्तों, आपको इस पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है और इस पोर्टल पे पूरे भारत में जितनी भी गाड़ियाँ रजिस्टर होंगी वो सारी दिखाती हैं और इसे आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, आरसी स्टेटस का मतलब हो कि आपकी गाड़ी का जो टैक्स है और उसका जो इंश्योरेंस है, चाहे वो उसका जो रजिस्ट्रेशन है, ये सब फेल है या फिर कितने दिनों के लिए बचा हुआ है या फिर कितने सालों का रजिस्ट्रेशन है, ये देख सकते हैं। दोस्तों, ये कोई एप्लीकेशन स्टेटस नहीं दिखाता कि आपका गाड़ी रजिस्टर हुआ या नहीं हुआ, ये सब नहीं दिखाता। दोस्तों, ये जिनका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनके रजिस्ट्रेशन की स्थिति को दिखाता है कि वो कब तक वैलिड है। तो दोस्तों, आपको इसमें सबसे पहले ऑप्शन में व्हीकल नंबर टाइप करना है। उसके बाद दोस्तों, वेरिफिकेशन कोड, नीचे एक यूनिक वेरिफिकेशन कोड दिखाई दे रहा है, ये हमेशा बदलते रहता है। जो दोस्तों दिखाई दे रहा है, बस उसे हमें बस देख कर यहाँ नीचे टाइप कर देना है और उसके बाद दोस्तों सर्च व्हीकल पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, स्टेटस हमारे सामने है। रजिस्ट्रिंग ऑथोरिटी हमें यहाँ दिखा दिया गया है दोस्तों। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन डेट है, चैसिस नंबर है, इंजन नंबर है। दोस्तों, इसके कुछ बीच के वर्ष जंबली स्टार लगाकर इसे हाइड किया होता है कि दोस्तों इस कुछ गोपनीयता प्राइवेसी को बरकरार रखी जा सके। दोस्तों, उसके बाद ऑनर नेम भी दिखा दिया, उसके बाद व्हीकल का क्लास भी दिखाया गया है। और दोस्तों, यहाँ पे जो टैक्स पेड है हमारा वो 10 जनवरी 2026 तक के लिए है, वो भी दिखा दिया गया है। फिटनेस भी दिखा दिया गया है। इंश्योरेंस की जो डिटेल है दोस्तों वो प्रोवाइड नहीं थी, इसलिए नॉट अवेलेबल आ रहा है। पीयूसी कब तक दोस्तों अपडेट थी, ये भी इस पे अपडेट नहीं है, इसलिए नॉट अवेलेबल आ रहा है। दोस्तों, इस तरह से आप आरसी का जो फाइनल स्टेटस है वो एक्टिव है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि अपने आरसी का स्टेटस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का स्टेटस कैसे देखें। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।